Hello friends, welcome to my channel Mathematical Station. This is chapter number 15, Introduction to Graph of Class 8, Exercise 15.1, Question number 3. For an experiment in botany, two different plants, plant A and plant B, were grown under similar laboratory condition. Their height were measured at the end of each week for 3 weeks. The result are shown by the following graph. यहाँ पे मैं क्वेश्चन में क्या दिया गया है पहले हम वो देखते हैं. एक बॉटनी में एक्सपेरिमेंट के लिए दो प्लांट्स लगाए गए हैं, प्लांट ए और प्लांट बी. उन दोनों की जो हमने ग्रो कराया उनको एक ही लैबोरेटरी कंडीशन में, यानी कि दोनों के लिए हमने एक जैसी कंडीशन यूज करी है. जो प्लांट ए को दिया है वही सब कुछ प्लांट बी को भी मिला है. तो देयर हाइट वॉज मेजर, उनकी जो हाइट है प्लांट्स की वो एवरी वीक मेजर की जाती थी, 3 वीक तक मेजर की है. तो वो हाइट हमें यहाँ पे ग्राफ पे रिप्रेजेंट है. इस ग्राफ पे एक्स एक्सिस पे हमें दिया गया है वीक एंड वाई एक्सिस पे दिया गया है हाइट इन सेंटीमीटर. यहाँ पे हमारे पास दो प्लांट है, प्लांट ए एंड प्लांट बी. सो ये जो डॉटेड वाली लाइन है ये प्लांट ए को रिप्रेजेंट कर रही है और ये जो हमारी स्ट्रेट लाइन है ये प्लांट बी को रिप्रेजेंट कर रही है. अगर हम इसमें से प्लांट ए देखते हैं, ये दोनों प्लांट हमारे इस पॉइंट से स्टार्ट हुए हैं. फर्स्ट वीक में प्लांट ए की हाइट है 1 सेंटीमीटर, प्लांट बी की हाइट है 2 सेंटीमीटर. ऐसे हम पूरे वीक में पूरे 3 वीक तक देख सकते हैं प्लांट ए की और प्लांट बी की दोनों की हाइट. साथ में हमें इस ग्राफ के साथ कुछ क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, तो हमें उन क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे ग्राफ की हेल्प से. फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, हाउ हाई वाज प्लांट ए आफ्टर 2 वीक एंड 3 वीक. 2 वीक और 3 वीक के बाद प्लांट ए की हाइट कितनी थी वो हमें बताना है. सो यहाँ हम लिखेंगे इसका आंसर आफ्टर 2 वीक एंड आफ्टर 3 वीक हो जाएगा द हाइट ऑफ प्लांट ए आफ्टर 2 वीक एंड आफ्टर 3 वीक्स. 2 वीक में प्लांट ए की हाइट कितनी है, प्लांट ए कौन सा है हमारा डॉटेड वाला. तो 2 वीक में देखेंगे सेकेंड वीक में इसकी हाइट है यहाँ तक, ये वाली हाइट किसके सामने जा रही है, 6 और 8 के बीच में है. 6 और 8 के बीच में क्या आएगा यहाँ पर 7 सेंटीमीटर. सो सेकेंड वीक में प्लांट ए की हाइट है 7 सेंटीमीटर. थर्ड वीक के लिए देखेंगे यहाँ पे हमारा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट किसके आगे जा रहा है, ये वाला पॉइंट हमारा यहाँ पर है 8 और 10 के बीच में. 8 और 10 के बीच में क्या आएगा यहाँ पर 9, क्योंकि 8 के बाद 9 देन 10, क्योंकि वो इसके बीच में यहाँ पे सेंटर में होगा. सो प्लांट ए की हाइट 3 वीक में होगी 9 सेंटीमीटर. नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन, हाउ हाई वॉज प्लांट बी आफ्टर 2 वीक एंड 3 वीक्स. अब हमें बताना है कि प्लांट बी की हाइट कितनी होगी 2 वीक और 3 वीक्स के बाद. अब यहाँ पे हम लिखेंगे द हाइट ऑफ प्लांट बी आफ्टर 2 वीक एंड 3 वीक्स. देखेंगे हम प्लांट बी की कौन सी लाइन है हमारी, जो स्ट्रेट वाली लाइन है वो प्लांट बी की है. तो सेकेंड वीक में इसकी हाइट प्लांट ए के इक्वल है, तो यहाँ पे 7 सेंटीमीटर ही होगी, क्योंकि ये दोनों एक ही पॉइंट में है सेकेंड वीक में. तो यहाँ पे हम इसकी हाइट बिल्कुल इक्वल लेंगे 7 सेंटीमीटर. देन थर्ड वीक में अगर हम इसकी हाइट देखते हैं तो थर्ड वीक में इसकी हाइट यहाँ पर है और ये वाली जो हाइट है ये किस पॉइंट के सामने है, 10 के सामने है. सो थर्ड वीक में इसकी हाइट होगी 10 सेंटीमीटर. यानी कि प्लांट बी की जो हाइट है सेकेंड वीक में 7 सेंटीमीटर है और थर्ड वीक तक 10 सेंटीमीटर है. नाउ नेक्स्ट है इसका थर्ड क्वेश्चन, हाउ मच डिड द प्लांट ए ग्रो ड्यूरिंग द थर्ड वीक. अब हमें बताना है कि थर्ड वीक में प्लांट ए कितना ग्रो करा है, यानी कि अब हमें बताना है कि वो थर्ड वीक के अंदर कितना ग्रो करा है. सेकेंड वीक और थर्ड वीक के बीच में हम कंपेयर करेंगे कि सेकेंड वीक से थर्ड वीक तक उसकी हाइट कितनी इंक्रीज हुई है. प्लांट ए की लाइन कौन सी है हमारी डॉटेड वाली लाइन. प्लांट ए की हाइट सेकेंड वीक में 7 सेंटीमीटर थी और थर्ड वीक में वो 9 सेंटीमीटर हो गई, जो कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा भी था. सो 7 से वो 9 हो गई थर्ड वीक में, कितनी बढ़ गई 9 सेंटीमीटर में से अगर हम 7 सेंटीमीटर माइनस कर देते हैं तो हमारे पास आता है 2 सेंटीमीटर. 7 सेंटीमीटर तक तो वो सेकेंड वीक या उससे पहले बढ़ गई है, थर्ड वीक के बीच में वो कितनी बढ़ी है 7 से वो 9 हो गई, दैट मीन्स कि वो 2 सेंटीमीटर बढ़ी है. सो इसका आंसर होगा द प्लांट ए ग्रो ड्यूरिंग द थर्ड वीक इज 2 सेंटीमीटर. सो इसका आंसर लिखेंगे हम द प्लांट ए ग्रो 2 सेंटीमीटर ड्यूरिंग द थर्ड वीक. थर्ड वीक में प्लांट ए 2 सेंटीमीटर ग्रो हुआ है. नेक्स्ट इज का फोर्थ क्वेश्चन, हाउ मच डिड द प्लांट बी ग्रो फ्रॉम द एंड ऑफ सेकेंड वीक टू द एंड ऑफ थर्ड वीक. ये भी हमारे पास ऐसे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमें थोड़ा
अलग लैंग्वेज में दिया गया है। यहाँ पे हमें बताना है कि प्लांट बी सेकेंड वीक के एंड से थर्ड वीक के एंड तक कितना इंक्रीज हुआ है। प्लांट बी की लाइन है हमारी जो प्लेन वाली लाइन है, ये प्लांट बी को रिप्रेजेंट कर रही है। सो प्लांट बी सेकेंड वीक के एंड में कितना था, 7 सेंटीमीटर। थर्ड वीक के एंड में वो कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर। यानी कि सेकेंड वीक के एंड से थर्ड वीक के एंड तक वो कितना इंक्रीज हुआ है, 3 सेंटीमीटर। 10 में से 7 माइनस कर देंगे तो 3 आएगा, यानी कि वो 7 से 10 पे पहुंच गया है। दैट मींस कि उसमें 3 सेंटीमीटर की इंक्रीमेंट हुई है। सो इसका आंसर होगा द प्लांट बी ग्रो 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द एंड ऑफ सेकेंड वीक टू द एंड ऑफ थर्ड वीक। Now next is the fifth question. During which week did plant A grow most? अब हमें बताना है कि plant A किस week में सबसे ज्यादा grow करा है। तो अगर हम यहाँ देखते हैं plant A की line है हमारी dotted वाली line। अगर हम इस line को देखते हैं तो ये सबसे ज्यादा किस week में grow हुई है, अब हमें वो बताना है। यहाँ से इसका starting point है। First week में ये 2 सेंटीमीटर grow हुई है, second week में ये 7 सेंटीमीटर grow हुई है, and 9th week में ये थर्ड वीक में ये 9 सेंटीमीटर तक ग्रो हुई है। तो अब हमें बताना है कि किस वीक में ये सबसे ज्यादा ग्रो हुई है। अगर हम देखते हैं फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट से फर्स्ट वीक तक ये कितने सेंटीमीटर ग्रो हुई है, टोटल 2 ही सेंटीमीटर ग्रो हुई है। फर्स्ट से सेकेंड के बीच में कितने सेंटीमीटर ग्रो होगी, 2 सेंटीमीटर तो ये फर्स्ट वीक में ग्रो हो गई है। तो उसके बाद 7 तक पहुंचने के लिए कितने सेंटीमीटर ग्रो हुई है, 5 सेंटीमीटर ये और ग्रो हुई है। इसकी हाइट 5 सेंटीमीटर इंक्रीज हुई है। देन सेकेंड से थर्ड वीक तक पहुंचने के लिए इसकी हाइट कितने सेंटीमीटर इंक्रीज होगी, 9 सेंटीमीटर थर्ड वीक में टोटल हो गई है। लेकिन सेकेंड वीक तक 7 सेंटीमीटर तो ऑलरेडी हो चुकी है, सो 9 सेंटीमीटर थर्ड वीक के लिए कितने सेंटीमीटर इंक्रीज हुई है, 2 सेंटीमीटर। अब हम देखेंगे सबसे ज्यादा ये किस में इंक्रीज हुई है, सेकेंड वीक में। फर्स्ट वीक के बाद सेकेंड वीक के अंदर ये सबसे ज्यादा इंक्रीज हुई है, सेकेंड वीक में इसकी हाइट 5 सेंटीमीटर इंक्रीज हुई है। सो इसका आंसर होगा प्लांट ए ग्रो मोस्ट ड्यूरिंग द सेकेंड वीक। नेक्स्ट इज का सिक्स्थ क्वेश्चन, ड्यूरिंग विच वीक डिड प्लांट बी ग्रो मोस्ट। अब हमें ऐसे ही बताना है कि प्लांट बी किस वीक में सबसे ज्यादा ग्रो हुआ है। प्लांट बी की हमारी ये वाली लाइन है, प्लेन वाली लाइन। फर्स्ट वीक में ये 1 सेंटीमीटर तक ग्रो हुआ है, सेकेंड वीक में ये 7 सेंटीमीटर तक हो गई इसकी हाइट, और थर्ड वीक में इसकी हाइट पहुंच गई 10 सेंटीमीटर तक। तो अब हमें बताना है कि किस वीक में ये सबसे ज्यादा ग्रो हुई है। फर्स्ट वीक में तो ये 1 सेंटीमीटर ही हुई है, सेकेंड वीक में ये कितनी हो गई, 7 हो गई। 1 सेंटीमीटर तो ये फर्स्ट वीक में हो गई, तो सेकेंड वीक में इसकी हाइट में इंक्रीज हुई है, 6 सेंटीमीटर इंक्रीज हुई है। और थर्ड वीक में 7 से 10 हो गई, तो थर्ड वीक में ये 3 सेंटीमीटर इंक्रीज हुई है। दैट मीन्स ये सबसे ज्यादा इंक्रीज कब हुई है, 6 सेंटीमीटर सेकेंड वीक के अंदर। सो इसका आंसर होगा प्लांट बी ग्रो मोस्ट ड्यूरिंग सेकेंड वीक। नाउ नेक्स्ट इज का सेवेंथ क्वेश्चन, एफ पार्ट, वर द टू प्लांट्स ऑफ द सेम हाइट ड्यूरिंग एनी वीक, शो हेयर स्पेसिफाइड। यहाँ पे जो हमें ग्राफ दिया हुआ है, इस ग्राफ पे हमें बताना है कि दोनों प्लांट की हाइट किसी वीक में सेम है। अब हम चेक करेंगे कि दोनों प्लांट की हाइट फर्स्ट वीक सेकेंड वीक थर्ड वीक में क्या है। फर्स्ट वीक में प्लांट बी की 1 सेंटीमीटर, प्लांट ए की 2 सेंटीमीटर। सेकेंड वीक में दोनों प्लांट की हाइट 7 सेंटीमीटर है, और थर्ड वीक में प्लांट ए की 9 सेंटीमीटर, प्लांट बी की 10 सेंटीमीटर। तो कौन सी वीक में सेम है, सेकेंड वीक में दोनों प्लांट की हाइट सेम है। यहाँ पे हमें वही बताना था कि किसी वीक में दोनों प्लांट की हाइट सेम है। यस, दोनों प्लांट की हाइट सेम है। कितनी हाइट है, 7 सेंटीमीटर। कौन से वीक में, सेकेंड वीक। सो इसका आंसर होगा एट द एंड ऑफ सेकेंड वीक ऑफ द हाइट ऑफ टू प्लांट्स वर सेम। At the end of second week, the height of the two plants were the same. दोनों प्लांट की हाइट सेकेंड वीक में सेम है। सो दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, एंड आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।
आपको अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा है तो मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए एंड फॉर फुल सिलेबस सब्सक्राइब माई चैनल।